दर्शकों, आज की काम की बात में अंतरिक्ष में एक मूवमेंट हुआ है, उसके बारे में जानकारी देनी है। दर्शकों, अंतरिक्ष में शुक्र ग्रह जो है वो अपने ही घर में पहुंच गए हैं, यानी वृष राशि में इनका पदार्पण हो गया है 28 तारीख को दोपहर में, और यहां पर ये 1 अगस्त तक रहेंगे, 1 अगस्त 2020 तक। दर्शकों, इनका जो रूट है, जो इनका रूट प्लान है, वो ये है कि वृष राशि में ये आगे बढ़ते हुए 13 मई को ये वक्री हो जाएंगे, यानी पीछे आने लगेंगे, और पीछे आते आते ये 29 मई को अस्त हो जाएंगे, यानी सूर्य भी उस समय वहाँ होंगे तो सूर्य के प्रभाव में ये अस्त हो जाएंगे, और 9 जून को जब सूर्य की रेंज से बाहर चले जाएंगे तो फिर से ये उदित हो जाएंगे। लेकिन ये समय चूंकि वक्री चल रहे हैं, ये भी चलते रहेंगे। 25 जून 2020 को ये मार्गी होंगे, यानी डायरेक्ट हो जाएंगे, इनका वक्रत्व खत्म हो जाएगा, वापस अपनी दिशा की ओर ये बढ़ जाएंगे, और मार्गी होकर ये 1 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी ये 1 अगस्त तक वृष राशि में रहेंगे। दर्शकों, शुक्र का अपने घर में आने से सबसे ज़्यादा प्रभाव या फायदा वृष राशि वालों को होगा और वृष लग्न वालों को होगा। देखिए, वृष राशि और वृष लग्न को यहाँ थोड़ा अलग अलग समझ लेते हैं। देखिए, वृष राशि का अर्थ ये हुआ कि वृष यानी 2 नंबर में चंद्रमा है। चंद्रमा अगर वृष राशि में शुक्र भी आ गए हैं तो चंद्रमा के साथ शुक्र हैं, तो इसको कई जगह या कई परिपेक्ष में बहुत शुभ नहीं माना गया है। उसके पीछे कारण है कि शुक्र है भोग और चंद्रमा है मन की इच्छा, तो अब यहाँ बीच में लेबर खत्म हो गई, मेहनत कम हो गई, तो कई बार ऐसा होता है कि शुक्र और चंद्रमा जब साथ आते हैं तो आलस्य आ जाता है। तो एक ऐसा वृष यानी बैल, जिसको मेहनत करने की इच्छा नहीं है, वो मेन, और वृष की जो मेन क्वालिटी है वो क्वालिटी ही मेहनत करनी, तो इसलिए अगर वृष मेहनत नहीं करेगा तो वृष बेकार हो जाएगा। वहीं अगर वृष लग्न है, लग्न का अर्थ ये आवश्यक नहीं है कि चंद्रमा वहाँ हो, तो वृष लग्न है और वहाँ शुक्र आ रहे हैं, तो आप तय जानिए कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, अंदर सेल्फ डेवलपमेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी और एक आभा पैदा होगी, इसलिए। और अगर कोई जो महिलाएँ हैं वृष लग्न की, वो अपने काया को सुंदर करने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाहिए, उससे उनको बहुत लाभ होगा। 1 अगस्त तक अपनी हेल्थ का, अपने व्यक्तित्व का खूब विकास करिए, खूब आनंदित रहिए।